दिल्ली की सर्दी, इस पर गाने बनते हैं। तड़पाए तड़पाए रे सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। या फिर इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले ले, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। लेकिन ये सिर्फ बात गाने में अच्छी लगती है, हकीकत में दिल्ली की सर्दी हाड़ कपा रही है। इतनी संघर्ष भरी है कि लोग कई लेयर के कपड़े पहन रहे हैं, तब भी ठंड लग रही है। और डिग्री कभी डेढ़ कभी दो, और डिफरेंट डिग्री, पता नहीं कौन से कॉलेज से पढ़कर आई है ये सर्दी, अलग अलग डिग्रियां लेके घूम रही है। लेकिन इस डिग्री धारी ठंड से लोग बच कैसे रहे हैं, आज रात को हम जानने के लिए निकले हैं। लोगों की जीवन की कहानी, इस ठंड में कैसे लोग जूझ रहे हैं, मेरे साथ मेरे कैमरामैन सर्वेश गुप्ता भी रहेंगे। चलिए चलते हैं। मयूर विहार एरिया में हम इस समय, कुछ लोग सड़क पर हैं। ज़रा पूछते हैं लोग सड़क पर क्यों हैं, आप क्या सड़क पर ही रहते हैं या कहीं और भी रहते हैं? और कहीं रहते हैं हम। कहाँ रहते हैं? वहाँ रहते हैं बाजार के माई साहब। घर है कि नहीं? हाँ घर है। घर है तो यहाँ सड़क पे क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ सड़क पे, यहाँ तो हम काम करने आते हैं, इसलिए आ गए थोड़ी सी देर के। मंदिर अब थोड़ी कुछ मिल जाता है ओढ़ने के लिए, कपड़े पड़े। अच्छा, हाँ जी, इसलिए यहाँ आए हैं। हाँ जी। और आप? हाँ सर जी, इसीलिए हम आए हैं, हम वैसे नहीं आए। वैसे नहीं आए? हाँ सर। तो यहाँ बैठने से क्या होता है? बैठने से प्रसाद मिलता है सर। प्रसाद मिलता है? प्रसाद किस चीज़ का? प्रसाद खाने वाला या कम्बल अम्बल? कम्बल भी मिलता है, लड्डू भी मिलते हैं सर, और समोसा भी मिलता है सर, सभी चीज़ मिलती है सर। कितने बजे तक बैठे रहोगे यहाँ पे? सर अब हमारा जाने का टाइम हो गया। अब जाने का टाइम हो गया। हाँ सर, जाने वाले, जाने का टाइम हो गया है। यहाँ कुछ लोग अलाव जला के, ये अलाव कब तक जला के रखोगे? यहीं रहोगे या कहीं जाओगे? यहीं घर है कहाँ? ये मरना नहीं चाहते हम। हाँ यहीं मरना चाहते। सर्दी जा रही कि नहीं जा रही? हाँ सर्दी जा रही है, जो बैठे टाइम पास करें, बस जा ही रहे। जा ही रहे? हाँ बस। तो यहाँ पर क्यों बैठे रहे, सड़क पे क्यों बैठे हैं इकट्ठे एक साथ? मंदिर पे यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ मिल जाता है अपने बैठे रहते। अच्छा। बस इसलिए कोई दाम दाम मिल जाता। काम कैसे मिलता है? काम कुछ भी मिल जाता है, टेंट का दिहाड़ी वाड़ी मिल जाती, बेलदारी उलदारी मिल जाती। सर रात को मिल जाता काम? सर रात को जाते हम सो जाते हैं, रात को सो जाते हैं, खाली टाइम रहते बैठ जाते, कुछ खाना पाना मिल जाता सर यहाँ पर, खा लेते बस। ये बिस्तर रखे हैं आपके? बिस्तर हैं आप यहाँ क्यों सोते हैं आप? थोड़े घर से बेघर हो रखे ना, घर बन नहीं है। इधर हमारे माँ बाप नहीं, बेघर हैं तो यही इस फुटपाथ पे सोते हैं? यही सो जाते हैं और अपने काम वाम पे चले जाते, काम आ जाता। तो नींद आ जाती है आपकी? नींद की जगे रहते बाबू जी, जगे रहते हैं, जगे रहते हैं। क्या ओढ़ते हो आप? कम्बल है, कम्बल दे रखे हैं, कम्बल दे रखे, कम्बल है और रजाई है, आ जाती नहीं। हाँ। फुटपाथ पे कौन कौन सोता है इसमें? वो बंदे कुछ तो गए हुए काम पे, गए हुए चले गए हैं। हाँ बैंड बैंड के काम में, आज शादी ब्याह का काम चल रहा है ना, उन्होंने चले जाते हैं, उनमें चले जाते हैं। हाँ फुटपाथ पर सोते हैं, जरा आपको दिखाते हैं फुटपाथ पर कहाँ सोते हैं लोग। आइए जी, माचिस तो नहीं है मेरे पास। ये क्या, ये आइए, आप आपका घर है ये? नहीं सर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, कौन है ये सो रहे हैं? ये सब सो रहे हैं, यहीं पे भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं ये? हाँ हमारा नहीं है। हुँ? नहीं आपका नहीं है? हम भी यहीं पे भीख मांगते चले जाते हैं। कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पे कहाँ है घर? है घर है या फुटपाथ पे ही रहते हो? यहाँ 21 ब्लॉक में रहते हैं। रहते हो? हाँ। तो भीख क्यों मांगते हैं आप? गुरुजी अब ऐसा है कि भाई बुजुर्ग हो गए हैं, काम दिहाड़ी मिलती नहीं, अब यहीं पे मांग खा के फिर चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं? हाँ जी। कितना मिल जाता है दिन में? दिन भर में 20-50 मिल ही जाता है कोई, और खाना वाना मिल जाता बस, खाना वाना लोग देते हैं। हाँ ये सो रहे हैं भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले देखा मैं आप जाग रहे थे। लोग ऐसे सो रहे हैं फुटपाथ पे, ज़रा इस तरफ से देखिए, ये लंबे, ये फुटपाथ की रेलिंग बनी हुई है जो, उसी पे सो रहे हैं ये लोग। जो लोग सड़क पर बैठे हैं उनको बीच बीच में कुछ लोग कंबल देने भी आते हैं। अचानक ही ये लोग आए हैं, इन्होंने यहाँ पर कंबल दिया है,
और ये लोग कंबल बांट रहे हैं। जरा पूछते हैं कौन है आप लोग? हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल लाइन से हैं। मेडिकल लाइन में हम ये हर संडे सैटरडे सेवा करते हैं, मतलब कभी टोपे बांटते हैं, कभी खाना बांटते हैं। इस बार हमने कंबल बांटे हैं, अगली बार हम अभी 100 कंबल बांट के आए हैं, अगली बार खाना बांटेंगे। क्या नाम है आपका? राघव शर्मा। मेरा मनीष कुमार। हम लोग जो है एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री में है और हम लोग अभी 6 बजे से ही निकले हैं। और ये मेरा भाई राघव है, ये मैकलाइड कंपनी में है, और ये मनीष भाई अभी मैकलाइड में। देखिये हम उसे पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ निस्वार्थ भाव से आए थे और हमारा एक ही कंसर्न था कि हर गरीब तक पहुंचे। 6 बजे से निकले थे, हमने ऑटो बुक भी किया था, मतलब इनको लेके आए थे ड्राइवर साहब को। और हम लोग का यही प्लानिंग था कि रोड के साइड में जो लोग मतलब गरीब हैं, जिनको मतलब इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, जरूरतमंद है, तो उनके जरूरतमंद तक हम पहुंचे। और भाई दबे अभी तक हमारा टारगेट अच्छे से सफल रहा है। कितने बांट दिए अभी तक आपने? 100 अबव हुआ है। और हमारा प्लानिंग हमारा ये है कि हमने छोटी सी पहल की है गरीबों के लिए, कि हमें देख के कोई दूसरे जो टीममेट है कोई मोटिवेट हो। बहुत जरूरतमंद लोग है जिनकी हम अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो 1% खर्च कर सकते हैं आज, बिल्कुल। कल 1 करोड़ कमाओगे तो नहीं कर पाओगे। तुमने छोटी सैलरी कैसे इन लोगों पे दान भी कर दिया तो क्या हो गया? आप 10,000-15,000। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 25 ईयर्स। 25 साल की उम्र और इतने बड़े विचार। देखिए ये विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ये साधारण विचार नहीं है। दूसरों की सेवा करने का विचार ये अपने आप में अलग है। और ये जो युवा हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। और आप समझ सकते हैं अगर ये लोग देश का भविष्य हैं तो मुझे और आपको सबको उम्मीद करनी चाहिए कि देश का भविष्य वाकई उज्जवल है। लेकिन एक बार बताओ, कान में ठंडी लग रही है आप लोगों के? हमें इतना एनर्जी है हमारे पास, इन लोगों ने इतना आशीर्वाद दे दिया ना कि हमें ठंड वंड नहीं लग रही है। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं रोड पे चल के आ रहा हूँ, मुझे वैसे तो मतलब हेलमेट लगा के और मास्क लगा के कितने मतलब ग्लव्स वगैरह लगा के हम निकलते हैं, लेकिन आज जरा सा भी ठंड नहीं लगी। मैं 6 बजे से निकला हूँ, घर से बार बार फोन भी आ रहा है। कितना पहना लेयर आपने बताओ अभी अंदर? मैंने एक इनर पहना है और लेकिन मुझे इतना जोश है, इतना एनर्जी है ना। आप जरा बताना कितना पहना हुआ? इनर है और एक शर्ट है बस। इनर शर्ट है क्या मतलब? क्या है, कुछ खाते हैं क्या आप? गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने करके यूपी के मुजफ्फरनगर के लड़के हैं, दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं। अब आप कह रहे हो हमें ठंड लग रही है, इन लोगों को देख लो ना आप, बेचारे एक कपड़े में, आंटी को देख लो कुछ भी नहीं है, तो इन लोगों को देख के थोड़ा मोटिवेट होते हैं। हमारी सर्दी कुछ नहीं है, इन लोगों से हम थोड़ा सा बात कराना चाहेंगे। देखिए आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है जो हमने किया? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये तो सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भाई लोग आए यहाँ पर बांटे, हमें बड़ा खुशी हुआ। हम जैसे गरीबों को भाई आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग अगली बार कुछ और आप लोगों के लिए धन्यवाद, हम आशीर्वाद देते हैं भैया हमारे बने रहे। आप ये अक्सर करते हो या फिर आज तो हम अचानक आए हैं तो आप पकड़ में आ गए? नहीं भैया, संडे और सैटरडे हम करते हैं। आपकी बार हम मार्केट वाले बाबा में मिलेंगे, जो एक कश्मीरी के बाबा जो है कश्मीरी गेट के पास में। हमारा क्या है कि हम दिन में 2 दिन पहले घूमते हैं कि कहाँ लोगों को ज्यादा जरूरत है, टारगेट करके निकलते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं मिलेगा। या आज हमने देखा था कि यहाँ जरूरतमंद मिलेगा तो हम यहाँ पे आए। आपके हमारा टारगेट है मार्केट वाला बाबा। और कितने रुपए इकट्ठा करते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताया आपने, कितने रुपए इकट्ठा करते हैं आपस में? हम लोग जो भी होता कंट्रीब्यूशन मिलके करते हैं, ठीक है। और अभी तक वैसे तो हमारे पास बहुत टीम है, मैं बताऊं आपके, हमारे पास 100+ टीम है ईस्ट दिल्ली में जो फार्मा इंडस्ट्री को, और सारे बाई द वे हर्ट है मतलब सबसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों का जो एक मतलब सर्कल है ना, इसमें ये कंट्रीब्यूशन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि माइंड की नहीं किसी का है या नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं है, हम वैसे निकल के आए। बाकी तो सारे लड़के गाँव पे छुट्टी मनाने चले गए, नहीं ईयर पे इधर उधर घूम रहे। अच्छा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में लोग बोलते हैं कि वो डॉक्टरों को पढ़ाते हैं कि भाई ये दो, और उनको गिफ्ट भी देते रहते हैं ना, आप भी देते हो? देखो गिफ्ट की बात नहीं, जो हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे वो धर्म बनता है उनके लिए कुछ करने का, ठीक है। डॉक्टर से हमारी जॉब है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा ब्रांड लिखते हैं, उसी से हमारी जॉब है। लेकिन मेडिकल रैप आप देखोगे ना, मेडिकल रैप दिल्ली के अंदर इतने हैं, इतने मेडिकल लाइन है, इतने लोगों को जॉब दे रखी है, इसकी कोई हद नहीं। लाखों करोड़ों लोग PhD बी फार्मा डी फार्मा, अब तो आते हैं बीटेक वाला बीटेक छोड़ के BSc करके फार्मा में आ रहा है। इतना रुपया मिलता है लोगों को बता दो फिर, तो वो भी क्यों आ रहे हैं पता तो लगे। नहीं सैलरी अच्छी खासी मिलती है। नहीं मिलती, एक नॉर्मल एंट्री लेवल पे कितनी मिलती है? 30+ मिल जाती है। 30+ एंट्री लेवल पे? हाँ एंट्री लेवल पे। और फिर 2-3 साल हो जाए तो कितना मिलता है पैकेज? आप देख लो अच्छे खासे पैकेज पे लड़के कटे। अभी मेरे को 3 साल हुआ है, 38,000 रुपए सैलरी है फिलहाल। 38,000 रुपए ये दोनों मैकलाइड। शादी हो रखी कि नहीं हो रखी? नहीं हुई अभी, शादी नहीं हुई। तो 38,000 तो फिर तो मजा आ रहा होगा आपको। टॉप 5 कंपनियों में काम करते हैं इंडिया की, मैकलोड फार्मास्यूटिकल, उसमें काम करते हैं। कंपनी अच्छी खासी कंपनी, अच्छा खासा दे रही है, जब इस लायक बना दिए। मैं तो हमेशा भगवान से कहता हूँ, देने वालों की लिस्ट में बना रखा है कंपनी तक भी ये मैसेज पहुंचे। भगवान से हाथ जोड़ के ही विनती करता हूँ कि बस हमेशा इस लिस्ट में रखना, देने वालों की, लेने वालों, देने वालों की लिस्ट में रखना। तो हम सबको देते रहेंगे और खुद भी अपने आप बढ़ते रहेंगे, ये गजब फिलॉसफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? हम
हम तो जितनी चीज़ें हुए गरम चीज़ें होती है, गरम मसाला हो गया, ये लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया ना, पाउडर बना के सब्जी में हर टाइम चुटकी भर डालते रहो, क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, आप इधर ऐसी जगह पे पाए गए हैं जहाँ आसपास लोग मतलब। मैं यही बगल में जॉब करता हूँ बड़े भाई। अच्छा, इसलिए मैं जा रहा था घर को तो आप दिख गए, आपने रोक लिया, आपको लगा कि मैं तो लगा कि आप ये जहाँ से निकल के आ रहे हैं ना वहाँ मतलब लोग थोड़ा थोड़ा। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो भी ठीक है, जो पीता है वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन हम तो ये हमने पकड़ा, हमको लगा आप भी। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ लोग पीते हैं कि ठंड से इंतजाम की रम पिए भाई, सर्दियों में पीते हैं कई लोग। आप नहीं पीते हो? हम तो नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते हैं। पीते भी होंगे हाँ, पार्टी शार्टी में कभी पीते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं पीते हम। ड्यूटी कर रहे हैं, बगल में आ रहे हैं, घर को जा रहे हैं इस टाइम। बाकी अंदर की बात तो हमको पता है, आप ना बोलो तब भी समझ गए ऐसे। वो कोई बात नहीं, आपको आए ना आए, ये बंद है, खुला हुआ है, ऐसे बंद कर। सर्दी हो या कुछ और, डिलीवरी बॉयस पिज्जा डिलीवरी बॉय हैं ये, पिज्जा डिलीवर करने आए। कितने बजे तक डिलीवर करेंगे रात को? हमारा स्टोर 3 बजे तक खुला रहता है, 3 बजे तक काम होता है। रात को 3 बजे तक? ठंड नहीं लग रही? लगती है सर, अब क्या करें। जो कैसे निपटते हैं? जैकेट वगैरह पहनते हैं, ग्लव्स वगैरह, ठंड में ऑर्डर है पहुंचाना पड़ता है, काम है। कभी ऐसा हुआ कि ऑर्डर देरी हुई और फिर डांट पड़ी, ऐसा कुछ हुआ भी? ऐसा नहीं होता सर, कस्टमर समझते हैं, समझाते हैं हम भी, पर होते हैं बहुत से कस्टमर होते हैं। 3 बजे रात तक पिज्जा के ऑर्डर आते हैं? आते हैं, 3 बजे तक ऑर्डर आते हैं, लोग खाते हैं तब तक। जगते हैं, खाते हैं, जगते का। वैसे महीने में कितना आपका काम चल जा रहा है? निकल जा रहा है हाँ, अभी समय तो थोड़ी ठीक ठाक, ठीक ठाक मिल जा रहा पैसा? बाकी तो ठीक। कितना मिलता है, लोग जानना चाहते हैं पिज्जा डिलीवरी बॉय? हफ्ते में सैलरी आती है 3,000 रुपये मान लो आप। हफ्ते की 3,000 रुपये? हाँ। अच्छा, तो केजुअल हो या फिर परमानेंट लगे रहे हैं इस पे? केजुअल ही है। केजुअल ही हाँ। तो अभी ये सर्दी में आप तो घूमते रहते हैं सड़क पे, कुछ ऐसा देखा जो आपको लगा कि सर्दी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए या ऐसा अलग है, या कुछ विशेष चीज़ दिखी आपने सड़क पे कब? हाँ अचानक से कोहरा देखने को मिलता है हमको, कि एकदम से पहले तो खुला रहता है फिर अचानक से कोहरा आ जाता है, तो दिक्कतें होती हैं हमें भी और भी लोगों को दिक्कतें होती हैं, वो तो नेचुरल है, उसमें क्या कर सकते नहीं। 3 बजे रात तक सड़क पे कुछ ऐसी चीज़ देखी आपने, कुछ आपको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है या होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ देखा? अभी तक तो अपने इलाके में ऐसा नहीं देखा, पर जो सुनते हैं तो उससे शायद होता है, ऐसा भी होता है। काम जारी रखते हैं पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय। एक और डिलीवरी बॉय मिले, ये इतना बड़ा जो आपका जैकेट है पूरा बॉक्स, इनमें क्या रखा हुआ है? इसमें पार्सल हैं, लोगों के कुछ भी मंगाते हैं उनको डिलीवरी करने जाते हैं हम घर पे। डिलीवरी बॉय है? हाँ जी हाँ जी। कितने बजे रात तक वैसे रोज काम करते हैं और ठंड से कैसे बच रहे हैं? सर ठंड से क्या बच रहे हैं, करना पड़ रहा है पेट के लिए, मगर बचते क्या है, मगर काम के लिए तो करना पड़ेगा सर काम तो। बाकी ठंड हो क्या गर्मी हो पूरे। क्या शिफ्ट चल रही है आपकी? है शिफ्ट ये है जी, सुबह 7 से 11-12 बजे तक है, फिर उसके बाद शाम को 6 से 9-10 बजे तक। हाँ दो शिफ्ट मार रहे हैं, जब जाके गुजारा चल रहा है अपना। नहीं इतना तो मिल जाता है दोनों का मिला के, आप मान लो 20-25 मिल जाता है, अगर हमें एक टाइम काम करते हैं तो उसमें कुछ भी गुजारा नहीं है हमारा, जब भी दो शिफ्ट माननी पड़ रही है हमारे को खुद अपने आप को। महीने का 20-25 हज़ार बोल रहे हैं मतलब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बचता है थोड़ा उसमें? बचता क्या है सर, उसमें 2-4-5 हज़ार का तेल लगा के यही है 20-1 हज़ार रुपये बच जाता है अपना। हाँ उसमें भी अभी ऐसा हुआ कि कुछ गलत सामान डिलीवर हो गया आपसे? नहीं गलत तो ये होता है जे, अगर गलत हो जाता है तो कस्टमर उसको रिटर्न कर लेते हैं अपना भी अपने ऐप से। हाँ जी। कभी ऐसे कस्टमर मिले जो लड़ते झगड़ते हो? कस्टमर 100 में से 1-2 कस्टमर ऐसा मिलता है जो अपना बिगड़ जाता है ना, और एक कस्टमर था कह रहा मैं OTP नहीं दूंगा, पहले पैकेट खोलूंगा। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होगा, जैसे जो पीछे का रूल है वही चल रहा है, फिर भी उनने दोबारा भी ला के उनने लिया, अपनी तसल्ली पूरी कर ली, मगर मैंने अपनी तसल्ली पूरी वही करी थी जो मैं चाह रहा था। आप सड़क पे घूमते रहते हैं, आपने सड़क पे कुछ ऐसी चीज़ देखी जो आप बताने योग्य हैं कि रात को हमने ये चीज़ देखा, ऐसा कुछ है आपको कोई घटना याद आ रही है अभी? नहीं नहीं ऐसा कुछ, ऐसी कोई घटना नहीं, नहीं। आप घर में अकेले या फिर शादी हो चुकी? हाँ शादी हो गई, फैमिली वाले हैं, रेंट पे रहते हैं, इसीलिए गुजारा चला रहे हैं, दो शिफ्ट मार के। सिंगल ठंड हो या कोई और, लेकिन काम जारी रखते हैं। डिलीवरी बॉय का काम भी बड़ा मेहनत का काम है। एक बात गौर करिए आपने, मंदिर के पास जो लोग बैठे थे वो रोज़ आते हैं, और इसलिए आते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि किस लिए आते हैं, उनको कंबल मिल जाता है, खाना मिल जाता है, और वो रोज़ आते हैं, रोज़
इसी तरह कुछ लोग वहाँ आकर कंबल दे जाते हैं। तो खैर समझ गए होंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम, शायद वो सिर्फ इसीलिए वहाँ आते हैं कि कंबल लें और कुछ मिल जाए उनको, लेकिन अलग अलग लोग हैं ठंड से बचने के लिए और ठंड में जीवन जीने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। इस समय हम NH24 पर हैं पटपड़गंज इलाके में, यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी पन्नी लगाकर कुछ लोग सोए हुए हैं और जीवन यहाँ पर कैसे ज़रा देखते हैं आप दिखाइए। ये यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनसे बात करते हैं ज़रा। आपका घर यही है, कहाँ है, कहाँ घर कहाँ का है आपका? हमारा घर सर यहीं का है। कहाँ का? यहीं पर। यहीं पर या कहीं पीछे आजू बाजू में? यहीं पर है। रोड पे? हाँ, पहले इस रोड पर हमारी झुग्गियाँ थी, सरकार ने तोड़ के रोड बना दिया, कुछ लोगों के घर मकान दिया, हम लोगों को नहीं दिया। हम गरीब आदमी बीमारी से भी मर रहे हैं, गंदे नाले में पड़े हैं, क्या किया जाए। ये कंटिन्यू रात भर ऐसे ही जलाओगे? ऐसे ही जलाएंगे, क्या करेंगे, जला के ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठंड में बच्चे सो नहीं पाते हैं। सोते कहाँ पर, सोते नहीं है क्या? सोते हैं, ये पन्नी तान रखा है। देख रहे हैं हमने, पन्नी तान रखा हुआ है आपने यहाँ पर। इस पन्नी में ठंड भाग जाती है आप लोगों की? नहीं सर। हाँ नहीं, ठंड नहीं भागती? नहीं। फिर क्या करते हो? हमारी पक्की झुग्गी थी यहाँ पर, तुड़वा दिया, सर्वे करवाया, कुछ मिला नहीं हम लोगों को, इसलिए यहाँ पड़े। क्या काम करते हैं आप? लेबर का। लेबर का काम करते हैं? इसके अलावा और कोई घर नहीं है? नहीं। गांव में है। गांव में कहाँ, कौन सा गांव? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर में है। वहाँ से कब आए? अरे वहाँ से हो गया दो महीने करीब। दो महीने करीब हो गया। अच्छा, आप क्या करते हो? मेरा नाम संदीप है, मैं 10th क्लास पढ़ाई करता हूँ, 10th क्लास NIO ओपन स्कूल से, और साथ में काम भी करता हूँ। किस चीज़ का काम करते हो आप? मैं हाउसकीपिंग का काम करता हूँ कंपनी में। कंपनी में, घर के नाम पर यही बस है? यही है हमारे पास। ये कंबल वगैरह किसी ने दिए हैं कि या? हम रोड पे रहते हैं, देने वाले दे जाते हैं। देने वाले दे जाते हैं। हाँ जी। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा बड़े होके? सर बड़े होके अभी तो फिलहाल पढ़ाई चल रही है हमारी, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ रह के भी, आगे चल के जहाँ तक होगा कुछ ना कुछ आगे करेंगे। उसी रोड पर NH24 छत के नाम पर आसमान, या ये पीपल का पेड़ ही है छत है, फुटपाथ और ये चलता हुआ ट्रैफिक। ये लोग अभी खाना खा रहे हैं, क्या बनाए आज? दाल। खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाई है? खिचड़ी। खिचड़ी। यहाँ क्यों है, फुटपाथ पे क्यों है आप यहाँ? जी कमरा फमरा नहीं है, कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआ खोते हैं, रोज पानी पीते हैं। क्या करते हो आप? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं। कितना मिल जाता उसमें? 400 रुपये मिलते हैं रोज के। 400 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर क्यों है पर फुटपाथ पर सड़क पर? फुटपाथ पर क्यों है आप? फुटपाथ पर यहाँ है, हमारा यहाँ झुग्गी थे, यहाँ का पूरा ग्रुप है हमारी, तो यहाँ हमारी पूरा साबुत है, सरकार ने हमें घर नहीं दिया, हम जब से यहाँ ही ठंडी में मरते हैं, आज छोटे छोटे बच्चा है, इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। सोओगे कितने बजे, कितने बजे सोते हो? हम सोते हैं ठंडी का मौसम, बच्चा जब काम करके आते हैं तो खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, जब खाना पीना हो जाता है। ठंडी में नींद आ जाती है? अब क्या करें, गरीब आदमी मजबूरी में, टाइम तो कटना ही पड़ेगा। टाइम काटना पड़ेगा। तो आपने खाना नहीं खाया, देखा मैंने अभी, खाना अभी खा रहे हैं आप? खाना खाएगा। खाना यहीं पे बनता है? हाँ यहाँ पे ही बनता है, यहाँ पर खाना, यहाँ पर ही सोना, यहाँ पर सब कुछ। आपको कुछ मिलता है सरकार की तरफ से कोई योजना? हाँ। चावल वगैरह कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं मिलता। ये चावल वगैरह खुद खरीदते हैं? हाँ खुद खरीद के खाते हैं। गेहूँ चावल नहीं मिलता कहीं? नहीं।
नहीं। आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ आईडिया है। आधार कार्ड है, कहाँ का है? यहीं का, इसी यहाँ पे पहले झुग्गी थी। हाँ। तो यहीं का झुग्गी का बना बनाया था आधार कार्ड। झुग्गी का आधार कार्ड बना है, पर झुग्गी तो है ही नहीं, तो फिर आधार कार्ड वैलिड ही नहीं होगा। आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, हर चीज है यहाँ का। अच्छा, आपका राशन कार्ड है? हमारा राशन कार्ड नहीं है। आपका नहीं है? आपका राशन कार्ड है? हमारे पास है राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चों का पहली से लेके 12वीं तक, 10वीं तक इसी स्कूल का है, ये सरकारी स्कूल का, इसी एड्रेस का, इसी एड्रेस का। राम मनोहर लोहिया में 2009 से इलाज चल रही है बच्चे का, वो भी सारा कागज मेरा। जिस एड्रेस का आपका आधार कार्ड है, वहाँ तो झुग्गी है ही नहीं। अब नहीं है ना सर, पहले थी सर, अब नहीं है। अभी भी तो नीचे बना रखा हम लोगों ने, पर क्या करें, सांप के चक्कर से हम नीचे नहीं सोते हैं। सांप आते हैं वहाँ पे? सांप मोटे मोटे निकलते हैं। वोट देते हैं कि नहीं आप? नहीं। हाँ? नहीं, वोट नहीं देते। आप वोट देते हैं? वोट हम कैसे देते, हमारे यहाँ का आधार कार्ड है, सरकार ने हमारा यहाँ आईडी ग्रुप बना के नहीं दिया। अगर आईडी ग्रुप बना देते तो हम वोट नहीं दे सकते। आप वोट देते होंगे, आपका तो आधार है। आधार है सर, लेकिन इस जगह का 2006 से सेक्शन बंद हुआ है, जब से हमने वोट नहीं दिया यहाँ का। कब से वोट नहीं दिया? हाँ। अच्छा, गजब है। लोकतंत्र का ये भी एक रूप है, हम ठंडी में घर में पूरा इंतज़ाम करके रखते हैं, हीटर भी होता है और खिड़कियां वगैरह सब बंद होती हैं, तब भी लोगों को ठंड लगती है, लेकिन खुले आसमान के नीचे इनका घर। एक बार दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि नहोंगे कपड़े तो पाँव से ढक लेंगे सर, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। लोकतंत्र का ये रूप देखिए, गरीबों के लिए सारी योजनाएं चलती हैं, सरकार भाषण में, नेता अपने भाषण में, मंत्री अपने भाषण में गरीबों का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी हैं जो वोट नहीं दे पा रहे। क्यों? आपने भी सुना, इस कड़ाके की ठंड में खाने को गम है, पीने को आंसू हैं और बिछाने को ज़मीन है, छत को आसमां है। गरीब की दुनिया में किस चीज़ की कमी है? आग जल रही है, रात कट जाएगी, लेकिन ये आग सिर्फ आग नहीं है, ये दिल जला के निकली हुई आग है। गरीब का दिल भी जल रहा है इसमें, कुछ उम्मीदें जल रही हैं, कुछ अरमान जल रहे हैं, कुछ ख्वाहिशें जल रही हैं। अगर आप इस तरह के लोगों को देखें तो सोचिएगा कि क्या किया जा सकता है इनके लिए। फ़िलहाल हम चलते हैं। सरकार कुछ कमी हम लोग को।